निगम महापौर प्रभारी आयुक्त एवं सभापति ने सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता व कर्मशाला अधीक्षक सहित अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों का शॉल श्रीफल भेंट कर किया सम्मान। दुर्ग नगर पालिक निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों के सेवानिवृत्त पर नगर निगम प्रार्थना स्थल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सेवानिवृत्त अधिकारी कार्यपालन अभियंता राजेश पांडे, कर्मशाला अधीक्षक वीरेंद्र कुमार ठाकुर, सहायक ग्रेड 3 श्रीमती विजय लक्ष्मी सोनी, भृत मंगतिन बाई यादव, कमला बाई यादव, रोहिणी बाई यादव, सफाई कामगार रूपमती एवं एक अन्य को भावभीनी विदाई दी गई। साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई। इस अवसर पर कार्यपालन अभियंता राजेश कुमार पांडे, कर्मशाला अधीक्षक वीरेंद्र ठाकुर ने सेवानिवृत्त होने पर निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल, प्रभारी आयुक्त आशीष देवांगन, सभापति राजेश यादव की उपस्थिति में MIC सदस्य अब्दुल गनी, ऋषभ जैन, भोला महोबिया, दीपक साहू, सत्यवती वर्मा, हामिद खोखर, नीता जैन की उपस्थिति में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त हुए अधिकारी एवं कर्मचारियों को फूलमाला पहनाकर शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। वहीं महापौर ने सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि एक अच्छे अधिकारी एवं कर्मचारी की पहचान उसके अच्छे छवि से होती है। जीवन में जो भी दायित्व मिले उसका ईमानदारी से निर्वहन करना कार्य के प्रति श्रद्धा रखने के बराबर है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।